अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इंजीनियर मनाजिर हुसैन एक नई ट्यूटोरियल के साथ। इस ट्यूटोरियल में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जिससे डिज़ाइनिंग और एनालिसिस मुकम्मल हो जाती है, हर मेंबर के पास होना और फेल होना चेक करता है, वो कॉम्बिनेशंस को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले डिफाइन में गए, फिर लोड कॉम्बिनेशंस पे क्लिक किया, तो ये 38 कॉम्बोज हैं जो डिफ़ॉल्ट इटेप्स खुद डिफाइन कर रहा होता है। आप ख़ुद भी यहाँ से देख सकते हैं, एट डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन कॉम्बोज। यहाँ से अगर आपके पास पहले से डिफाइन नहीं हुए हैं तो ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। डिफाइन में गए, एट डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन कॉम्बोज पे क्लिक करें। अगर आप कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन करते हैं तो इस पे आप क्लिक करें तो खुद ब खुद डिफाइन होंगे। फिर आप जाएं इसमें लोड कॉम्बिनेशंस में, फिर यहाँ पे देखें तो ये 38 कॉम्बोज डिफाइन हुए हैं। इसमें से डिकॉन 2 को अल्टीमेट कंसीडर किया जाता है, जिसमें मॉडिफायर्स के साथ डेड लोड्स हैं और मॉडिफायर्स के साथ लायो लोड्स हैं, और हर वो लोड जो आपने डिफाइन किया है स्टैटिक लोड केसेस में उसके साथ मॉडिफायर्स लगे हुए होंगे ऑटोमेटिकली। अगर आपने मतलब सर्विस लोड देखना है, मतलब बाद में अगर आपने फुटिंग करने के लिए आपके लिए एरिया आप आइसोलेटेड फुटिंग चाहिए, तो आप एक सर्विस कॉम्बो भी डिफाइन कर सकते हैं जिसको एजर कॉम्बो कहते हैं। एजर कॉम्बो में बगैर मॉडिफायर के, मतलब अल्टीमेट के लिए नहीं है, ये सर्विस के लिए है, मतलब जो लोड आपके पास है वही कंसिडर किया जा रहा है। आप ज़रा एजर की कॉम्बोज के मॉडिफायर्स को देखें, और इसी तरह मैं डिकॉइन 2 का भी दिखाता हूँ आपको। डिकॉइन 2 में जाके देखें तो इसमें आपके पास कॉम्बोज हैं पर अल्टीमेट फैक्टर्स के साथ। इसी तरह आपके पास डिकॉन 1 है, इसमें देखें तो सिर्फ और सिर्फ 1.4 पे है और सारे लोड्स कॉम्बिनेशंस को कंसीडर नहीं कर रहा है, हर स्टैटिक लोड केस को कंसीडर नहीं कर रहा है, सिर्फ डेड फिनिशेस पार्ट, इसमें लाइव लोड को कंसीडर ही नहीं कर रहा है। तो सबसे जो किसी भी मेंबर का अल्टीमेटली आपने चेक करना है तो इसको डिकॉन 2 पे आप चेक करें। अगर आपको एरिया चाहिए तो एजर से भी आप देख सकते हैं। अगर लेट सपोज आपके पास ये डिफाइन नहीं हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इन सबको डिलीट करके बताता हूँ कि इसको दोबारा, अगर मेरे पास डिफाइन नहीं हुए हैं तो मैं कैसे इसको दोबारा डिफाइन कर सकता हूँ। मेरे पास कोई लोड कॉम्बो नहीं है, मेरी डिज़ाइनिंग कैसे होगी? तो आप डिफाइन में जाएं, एड डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन कॉम्बो में जाएं और कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन, चूंकि कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन हम कर रहे हैं, स्ट्रेट फ्रेम डिज़ाइन नहीं कर रहे, कंपोजाइट नहीं कर रहे, कंक्रीट शियर वॉल डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, तो इस पर क्लिक करें तो आपके पास खुद ब खुद कॉम्बोज आ जाएंगे। आप लोड कॉम्बिनेशन में जाएं तो ये देखें, पहले तो हमने सब कुछ डिलीट किया था, आप सब आ गए, लेकिन अब आपको एजर खुद डिफाइन करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, हमेशा डिकॉन 2 पे चेक करें क्योंकि वो अल्टीमेट है अल्टीमेट फैक्टर्स के साथ। अगली वीडियो में हम नई टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। देखते रहिएगा, के लिए जी भी।